हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। काफी सिंपल क्वेश्चन है ये। इसमें दिया हुआ है इन ट्रायंगल एबीसी, एक ट्रायंगल दिया हुआ है एबीसी, एम एंड एन आर पॉइंट ऑन साइड एबी एंड एसी रिस्पेक्टिवली सच दैट बीएम इक्वल टू सीएम। एम और एन दो पॉइंट से साइड एबी और एसी पे सच दैट ए बीएम इक्वल टू सीएन। ये दिया हुआ है बीएम और सीएन आपस में बराबर है, और ये दिया हुआ इफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी भी आपस में बराबर है ये दिया हुआ है, देन शो दैट एमएन पैरेलल बीसी। हमें एमएन और बीसी को पैरेलल प्रूव करना है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी से तुरंत हो जाएगा। ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था उसको लिख लिया यहाँ पे, बीएम इक्वल टू सीएन, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी, प्रूव करना है एमएन पैरेलल बीसी। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको प्रूफ। ये दिया हुआ है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, एंगल बी और एंगल सी आपस में बराबर है, देयरफॉर हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी। रीजन हो जाएगा साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, अब जो ए बी बना हुआ है, ए बी कैसे बना है, ए एम और बी एम से मिलके, तो ए बी के प्लेस पे हम लिख देंगे ए एम प्लस बी एम इक्वल टू जो ए सी है उसके प्लेस पे लिखेंगे ए एन प्लस सी एन। ठीक है, तो अब क्या होगा, बी एम और सी एन इधर से कैंसिल हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दिया हुआ है कि बी एम और सी एन आपस में बराबर है, तो बी एम इज इक्वल टू सी एन दोनों बराबर है, तो दोनों को हमने काट दिया, क्या बच गया ए एम इज इक्वल टू ए एन। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन वन, ए एम इज इक्वल टू ए एन, ऑल्सो बी एम इज इक्वल टू सी एन, इसको नाम दे देते टू, और ये गिवन इन्फॉर्मेशन है, हमने यहां पर फिर से लिख लिया क्योंकि अभी दोनों को डिवाइड करेंगे, तो ए एम इक्वल टू ए एन ये हम ले आए इधर से, और बी एम इक्वल टू सी एन ये दिया हुआ है। अब दोनों इक्वेशन को हम डिवाइड कर देंगे, डिवाइड वन बाई टू, डिवाइड इक्वेशन वन बाई टू, तो ये क्या हो जाएगा ए एम बाई बी एम इक्वल टू ए एन बाई सी एन, ये हो गया ए एम बाई बी एम इक्वल टू ए एन बाई सी एन। ये आ गया, यहां पे देखते क्या हो रहा है, ए एम बाई बी एम इक्वल टू ए एन बाई सी एन, देयरफॉर एम एन पैरेलल बी सी हो गया, एम एन बी सी के पैरेलल हो गया, जो हमें प्रूव करना था बाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। Hence,